तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू न्यूज वीडियो। और ये होने वाली है भाई काफी इंटरेस्टिंग न्यूज वीडियो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। जैसे कि कल के मैचेस में हमको टीम गोडला की तरफ से देखने को मिली एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, एंड कल के लास्ट मैच में भी हमको वही देखने को मिला जो कि सभी गेमों में देखने को मिल रहा है, वापस से हुई टीम गोडला वर्सेस टीम सोल, जहां पर टीम गोडला करती है टीम सोल के ऊपर रश। एंड जब स्काउट भाई लाइव कर रहे थे तो वहां पर कुछ लोग स्पैम भी करने लगे कि भाई टीम गोडला इज टारगेटिंग टीम सोल। तो इसके बारे में बात करते हुए जो भी स्काउट भाई ने बोला वो आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो। और गोब्लिन को किया है डाउन, लेकिन देखते देखते टीम सोल इज एलिमिनेटेड, टीम सोल इज एलिमिनेटेड। टारगेट जा भाई, अब इसमें टारगेट है तुम बोल नहीं सकते यार। अभी कोई भी टीम अगर पता है किसी का ये ड्रॉप एंड ऑल तो करेगी ना यार, ये बहुत बहुत नेचुरल मूव किया है। बहुत नहीं, इसमें टारगेट नहीं बोलते यार, उनको पता सोल उधर होल्ड करती है, स्लैम दिया थे। ये मोशन है जिस सोल का, ये होगा ये शैडो का कॉल रखा, शैडो को पता चल गया ये समय बहुत फाइटिंग है। और गाइस टीम गोडला के 35 पॉइंट्स विनर विरन चिकन डिनर के ऊपर कुछ रिएक्शंस है जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं। यहां पर लैन इवेंट की ऑफिशियल कास्टर क्रैट ने इस पर लिखा एनिमल्स, एंड गोडलाइक अबर ने इस पर लिखा अरे भाई गेम से ही डराते हो सबको, ऐसे मत डराओ। और किकी भाई ने इसमें लिखा वो डा गेम 16 सोलो किल्स का रिकॉर्ड टूटने वाला था। और गाइस इसी के साथ में ही जोनाथन ने अपने कंप्लीट कर लिए 100 फिनिशेस और वो बन चुके हैं फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने किसी भी टूर्नामेंट में जो कि टीवी पर आया है उस पर है 100 फिनिशेस। एंड ओवरऑल आई गेस वो बन चुके हैं सेकंड प्लेयर क्योंकि इससे पिछले टूर्नामेंट में किए थे गोब्लिन ने। एंड ये चीज को शेयर किया रूटर ने, फर्स्ट प्लेयर टू रीच 100 फिनिशेस इन द टूर्नामेंट। सो या अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू जोनाथन फ्रॉम आवर साइड। और गाइस नेक्स्ट निकल कर आती है इज नियो जॉइनिंग टीम सोल। तो जैसा कि ये कंफर्म हो चुका है कि गोब्लिन नेक्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं खेलने वाले हैं क्योंकि उनके आने वाले एग्जाम, तो काफी सारे बंदों को लग रहा था कि उनकी जगह पर खेलने वाले हैं नियो। एंड जब नियो लाइव कर रहे थे तो वहां पर किसी ने इनसे सेम क्वेश्चन पूछा, तो इस पर जो भी नियो का रिएक्शन था वो आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं तो खेलने का क्या गोब्लिन जगह नहीं भाई, कौन बोला, मतलब मैं तो खेल ही नहीं सकता हूँ ना भाई, नेक्स्ट लैन मेरी एज ही नहीं है और ऑफिशियल लैन है नेक्स्ट वाला, समझे, इसलिए वरना कोई तो टीम से खेल ही लेता मैं। और गाइस नेक्स्ट निकल कर आती है स्काई ईस्पोर्ट के टूर्नामेंट के रिलेटेड। जैसा कि हमको कुछ दिन पहले सुनने को मिला था कि स्काई ईस्पोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, तो उसके लिए कुछ लीक है जहां पर ये 11 टीमों को मिलने वाला है इनविटेशन टू ज्वाइन डायरेक्ट इन ग्रैंड फाइनल्स। एंड ये इन्वाइटेड स्लॉट स्काई ईस्पोर्ट ने दी है उनके रिसेंट परफॉर्मेंस इन एनी स्काई ईस्पोर्ट टूर्नामेंट के ऊपर। एंड एज यू नो क्योंकि टीम सोल को जाना है PMWI में, तो वो तो ये टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। और गाइस नेक्स्ट अपडेट है BGMI के रिलेटेड, जहां पर हम देख सकते हैं कि BGMI कितना बड़ा होता जा रहा है एंड फ्यूचर में इट रियली कैन रिप्लेस मैनी स्पोर्ट्स। जहां पर ग्रैंड फाइनल्स के सेकंड लास्ट डे पर हमको देखने को मिले जतिन सप्रू, एंड आई गेस आप उनको पहले से जानते होंगे जो कि IPL के सारे मैचेस एंड ऑलमोस्ट सभी क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हमको देखने को मिलते हैं एज अ कास्टर और एज अ एनालिस्ट। सो या दिस वाज अ बिग थिंग फॉर ईस्पोर्ट्स एंड आल्सो BGMI। और गाइस नेक्स्ट निकल कर आती है स्काई ईस्पोर्ट्स स्ट्रीमर शोडाउन की तरफ से, जिनके चैंपियन बन चुके हैं टीम विवोन। एंड इसके ऊपर जो भी गोल्ड लाइक ने शेयर किया वो आप अभी स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ सकते हो। एंड या गाइस वीडियो एंड करने से पहले मेरे को कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना आपके क्या प्रेडिक्शन है कि आज लैन इवेंट की ट्रॉफी कौन सी टीम उठाने वाली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।